दोस्तों नमस्कार भाई, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके पशुओं में हर दर्द को दूर करेगी, कंप्लीट बीमारियों को दूर करने वाली दवा भी कोई हो सकती है क्या? जी हाँ, हो सकती है और आपको इस्तेमाल करवानी भी चाहिए। और कई भाई लोग ऐसे हैं, कई पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनको भी हमने ये इस्तेमाल करवाई है ना, सब खुश, एकदम से खुश। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं कि दवा जो है वो आप किस तरीके से देंगे, कौन सी देंगे, कितनी देंगे, ये सारी की सारी बातें आज मैं करने वाला हूं। देखिए, बात जब गाय भैंस की चलती है ना, तो जब भी गाय भैंस बीमार होती है सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपको पता है? सबसे बड़ी चुनौती होती है और वो होती है कि जो भी दवा हम देंगे वो खाएगी नहीं, क्योंकि भाई दाना मिश्रण खा नहीं रही है, गुड़ खा नहीं रही है, रोटी खा नहीं रही है, तो फिर जो भी दवा देंगे वो खाएगी किसमें? सबसे बड़ी चिंता ही यही रहती है। इसीलिए मैं आज ऐसी दवाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिनको खिलाना बिल्कुल आसान, जी हाँ बिल्कुल आसान, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई तो आप आराम से दे सकते हैं। कौन कौन सी दवाएं हैं चलिए जानते हैं। नंबर वन जो दवा है वो है फ्रेंड बेलाडोना। जी हाँ, बेलाडोना होम्योपैथी जो दवा है ना भाई, गजब का वर्क करती है, बहुत शानदार वर्क करती है पशुओं में। क्या क्या वर्क करती है? पहली बात तो जब बात गाय भैंस की चलती है तो आपको इसकी 200 पोटेंसी यूज करनी है। नंबर वन बात, कौन सी पोटेंसी यूज करेंगे? 200 पोटेंसी, 200 पोटेंसी की आपको यूज करनी है। इसका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है फ्रेंड दर्द, सूजन, बुखार। अब बताइए किस बीमारी में दर्द नहीं होता, किस बीमारी में सूजन नहीं होती या बुखार नहीं होता? अमूमन ये तीन लक्षण जो है वो हर बीमारी में आते हैं, हर बीमारी चाहे कोई सी भी ले लीजिए, ये तीन लक्षण तो उसमें आएंगे ही आएंगे, और तीनों को दूर करने के लिए ये बहुत ही शानदार है। अब देना कैसे है भाई? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ड्रॉपर की मदद से आप दे सकते हैं, लेकिन ये अकेला काम नहीं करेगी, इसके साथ आपको एक दवा और देनी पड़ेगी जिसको मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अकेली काम नहीं करेगी। तो इसको आपको देना कैसे है? कोई भी ड्रॉपर ले लीजिए या सीरेंज ले लीजिए यार, 1 ml सुबह और 1 ml शाम को देनी होती है। कितनी देनी? मात्र 1 ml सुबह और 1 ml शाम को। अगर तकलीफ ज्यादा है तो आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दे सकते हैं। तकलीफ ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, तीनों टाइम देते हैं, नहीं तो फिर 2 टाइम देकर के काम चला लेते हैं। तो 1 ml सुबह, 1 ml, 1 ml, तीनों टाइम में आपको 1-1 ml देनी रहेगी, 1 ml, 1 ml, 1 ml, ठीक है भाई? तो तीनों समय 1-1 ml सुबह शाम दोपहर दे दीजिए, मात्र 1-2 दिन में ही पशु का दर्द सूजन बुखार जब दूर होगी तो कंप्लीट चीजें दूर हो जाएगी। अब इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ मिला करके रखना नहीं है, लेकिन मिलाते समय मतलब देते समय आप मिला सकते हैं। तो भाई 1 ml ये ली तो 1 ml आप लीजिए नक्स वोमिका। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपको 200 पोटेंसी ही लेनी है भाई। पोटेंसी जब आप होम्योपैथी स्टोर पे जाओगे ना, और हाँ एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो पोटेंसी का ही फर्क है, बाकी ह्यूमन की और वेटनरी की दोनों की होम्योपैथी मेडिसिन एक ही है। ह्यूमन में जो आती है वही वेटनरी में आती है, कोई अलग से पशुओं की होम्योपैथी अलग से नहीं आती है। तो यही होम्योपैथी है और आप इसी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नक्स वोमिका ये क्या करती है, ये पेट के लिए काम करती है और भूख बढ़ाने का काम करती है, यानी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां है ना, पेट से संबंधित चारों पेटों को अच्छा करने वाली ये मेडिसिन है, जीभ के ऊपर डालनी रहती है। मैंने कहा कि इसको देना बहुत आसान है, इसको भी कितना देना है, 1-1-1। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये साहब ज्यादा नहीं है तो सुबह शाम 2 टाइम ही आप दे सकते हैं। दोनों को क्या करेंगे, सिरिंज ली, सिरिंज में 1 ml वो दवा ले ली और 1 ml ये दवा ले ली, दोनों दवाएं मिलकर के बनी 2 ml, और 2 ml जो सिरिंज में बनी है ना, हल्का सा मुंह बांधा, और नहीं भी बांधे तो यार आपकी गाय भैंस है, आपको तो बिल्कुल हैबिट में है, तो हल्का सा मुंह बांधे तो नहीं बांधे तो सिरिंज में लिया, यहां पर डाला और बस हल्का सा, इतना ही काम करना है, हल्का सा पुश कर दीजिए, एकदम से सेट।
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी, देना आसान, सब मामला आसान और आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हर दर्द की ये दवा आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर होम्योपैथी के बारे में आपको जानना है, डेयरी फार्मिंग की ऑल ओवर टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग किस तरीके से किया जाए, बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं डेयरी फार्मिंग की उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप डेयरी फार्मिंग की ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सेशन आने वाली 5 तारीख से शुरू हो रहा है, इस 5 तारीख से भी शुरू हुआ था तो आने वाली 5 तारीख से भी फिर से शुरू होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर चले जाइए और रामावत एनिमल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 1234 OTP है, और वहाँ डेयरी फार्मिंग की क्लास में चले जाइए, वहाँ डेमो क्लासेस और सब तरीका आपको वहाँ पर मिल जाएगा।